नैनीताल के हल्द्वानी में हल्द्वानी विकास प्राधिकरण विभाग के जेई पर अपने पद का गलत उपयोग करने का आरोप लगा है। दरअसल मामला हल्द्वानी के टिकोनिया ठंडी सड़क क्षेत्र का है, जहां अशोकपाल नाम के व्यापारी बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं, जिसका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। वहीं कनिष्ठ अभियंता मनोज अधिकारी ने पूंजीपति व्यापारी के साथ मिलकर 24 लाख रुपए कंपाउंडिंग फीस रखी। इस दौरान RTI कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायत की। जब सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच की तो उन्होंने व्यापारी को 1,73,54,984 की धनराशि और जमा करने का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही बिल्डिंग भी सील कर दी गई है। इस दौरान GM नैनीताल वंदन सिंह ने बताया कि इस मामले की कार्यवाही जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो जब दस्तावेजों का मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बहुत कम फीस है, तो मैंने उसकी एक कंप्लेंट DM को और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, दोनों को दी कि ये कम है और इसको नियमानुसार इनकी पुनः से आप वही कैलकुलेट करिए। तो जो नया दो उन्होंने जो फिर उसका तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट ने इसमें कार्रवाई करते हुए संयुक्त सचिव जो प्राधिकरण की, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसमें दोबारा से इसकी फीस काउंट करी और मेरे आरोपों को पुष्टि मिली है, क्योंकि अब जो नई फीस आई है उसके हिसाब से तत्कालीन और कनिष्ठ अभियंता मनोज अधिकारी ने बहुत कम फीस जमा की थी। इस समय जो निकल के आई है 1,74,00,000 की नई रिकवरी निकल के आई है और उनको दिया गया, और साथ साथ पूर्व में जांच हुई थी जिसके बाद कुछ अनियमितताएं से दूर हुई, तो उसकी पत्रावली का हम परीक्षण कर रहे हैं संबंधित अधिकारी पर। यदि पूर्व में कोई कार्रवाई हुई है या प्रस्तावित की गई है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। किस वजह से वो पेंडिंग पड़ी हुई है उसका भी हम लोग संज्ञान लेंगे। अगर उसमें जाँच कम्प्लीट नहीं हुई है और कोई प्रक्रिया अभी विचाराधीन है तो उसको भी दिखवा कर आगे।